हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 परफेक्ट सब्जेक्ट टू टॉक विथ योर बॉयफ्रेंड। ओके, कई बार ये प्रॉब्लम होता है लड़कियों के लिए। वीडियो में मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि लड़कियों को इन चीज में प्रॉब्लम्स होता है। हालांकि लड़कों के लिए मैं इस टॉपिक पे बात कर चुका हूँ। अगर कोई ऐसा लड़का हो जिसमें आप इंटरेस्ट हो, जिसमें आप उसको जानना चाहती हो, शायद आप उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो या उससे शादी करना चाहती हो, तो ये शुरुआत का टाइम्स होता है ना, जब उनके साथ बातचीत शुरू करते हो। और ये चीज़ आपको तभी भी काम आ सकती है कि जब फर्स्ट टाइम आप उनके साथ डेट पे जाते हो। तो होता क्या है कि हम उस इंसान के बारे में कुछ जानते नहीं होते, हमारे बारे में कुछ मेमोरीज नहीं होती, हमने पहले कभी मिले नहीं है, तो क्या बातें करें क्या बातें ना करें, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। लेकिन कुछ चीज़ें तो हम जुगाड़ कर लेते हैं कि स्टार्टिंग कर देते हैं, बातचीत कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ी देर, लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आता कि कोई ऐसे टॉपिक नहीं मिलते लाइफ में ना। ऐसे इतनी कमी हमें टॉपिक की कभी भी नहीं हुई होगी, कितना भी इंसान से आप बात कर लो, लेकिन आप चाहते हो कि कुछ ऐसे टॉपिक निकल के आए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि उनके साथ बात करने के सिलसिले में आपको अच्छा लगता है उनसे बात करने, हम फालतू की बात करने लग जाते हैं और कहीं कहीं हमारा इंप्रेशन होता है वहाँ पे ख़राब भी हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे टॉपिक बताऊँगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके साथ बात करने आपके जिस लड़के के साथ बात करो उनको भी ये इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको भी मज़ा आएगा और इसके साथ साथ आपको उस लड़के को जानने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको उन्हें पूछना है, ताकि अभी तो आप उन्हें नए नए हो, उनके साथ बात कर रहे हो, तो लड़का कैसा है, उनकी कैसी विचारसरणी है, उसकी लाइफ के बारे में, उसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप जानना चाहती हो, और ये जानना ज़रूरी भी है ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो कुछ क्वेश्चन है जिस जो कुछ टॉपिक है उनके ऊपर आपको बात करनी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको उनको एक क्वेश्चन करना है कि विच इज़ योर फेवरेट मूवी। आज के टाइम पे बॉलीवुड या हॉलीवुड सिनेमा का बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ पे असर होता है और हर लड़का हर लड़की इसको पसंद करता है, उनको अच्छा लगता है। तो इसके ऊपर बात करना भी बहुत ही अच्छा है। जब आप उनको एक क्वेश्चन करोगे कि आपका फेवरेट मूवी कौन सा है, तो इससे आपको क्या जानने को मिला, एक तो आपको यह टॉपिक मिल गया उनके ऊपर बात करने के लिए, और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ मिलेगी कि वो इंसान किस तरह की मूवीज़ को लाइक करता है। क्या वो रोमांटिक मूवी लाइक करता है, क्या उनको ड्रामा अच्छा लगता है, क्या उनको एक्शन अच्छा लगता है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को क्या मिलेगी। एक तो आपको ये पता चल गया कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। इसके बाद भी एक चीज़ होती है कि इंसानों को कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, क्या जो मुझे अच्छा लगता है वही आपको लगता होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम अलग है, आप अलग है और बहुत सारी चीज़ें भी अलग है हम दोनों के बीच में। तो इसी तरह के लिए हमें ये जान सकते हैं कि मुझे रोमांटिक मूवी अच्छी लगती है, तो मैं उस टाइप का इंसान हूँ जो प्यार में बिलीव करता है, जो रोमांस में बिलीव करता है, रोमांटिक चीज़ों में बिलीव करता है, या मुझे एक्शन में इंटरेस्ट है। तो ये भी एक चीज़ आप जान सकते हो कि आपकी विचारसरणी क्या है, आप किस टाइप के इंसान हो, आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, इसके बेस पे हम जान सकते हैं ना कि हमें क्या अच्छा लगता है और कैसा इंसान है। इसके साथ साथ आप म्यूज़िक के बारे में भी जान सकते हैं कि हमें किस टाइप के गाने पसंद है, पुराने ज़माने के, नए वाले ज़माने के, हमें इससे भी पता चलेगा कि इस गाने का मतलब क्या होता है और इस बेस पे ये इंसान कैसा है। बुक्स के बारे में पूछ सकते हैं कि तुम्हें कैसी बुक्स पसंद है, तुम्हें पता चले कि इस इंसान को क्या सीखना पसंद होता है, ये अपनी लाइफ में कौन चीज़ों का नॉलेज हो वो गेन करना चाहता है। तो दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आप उससे दूसरा क्वेश्चन ये भी कर सकते हो कि पूरी दुनिया में वो कौन सी जगह है जो तुम्हारी सबसे फेवरेट प्लेस है, यानी कि तुम्हारी फेवरेट प्लेस कौन सी है, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये एक फिर से एक टॉपिक तो बन गया। तो इसके ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा बात कर सकते हो, तो आपको जानने को मिलेगा कि इस इंसान को कौन सी जगह पे रहना पसंद होता है, कौन सी सोसाइटी पे, कौन से लोगों के बीच में और कैसे एटमॉस्फेयर में, क्या वो US में रहना पसंद करता है, क्या वो इंडियन कल्चर के साथ रहना पसंद करता है, गाँव की संस्कृति में रहना पसंद है, शहर में रहना पसंद है। ये भी एक ज़रूरी बात है कि हमें वही जगह अच्छी लगती है जहाँ पे हम कंफर्टेबल होते हैं, वही जगह हमारी सबसे फेवरेट या हमारी सबसे पसंदीदा की जगह हो सकती है। तो इस हिसाब से उसकी फेवरेट प्लेस के हिसाब से भी आप उस इंसान को समझ सकते हो कि किस टाइप का इंसान है। इसका मतलब से इनको ये चीज़ अच्छी लगती है तो इनका मतलब ये इस टाइप का इंसान हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो है कि आपको उनको ये भी क्वेश्चन करना है कि आपकी लाइफ में आपका सबसे बड़ा गोल क्या है, यानी कि आपको जो ये लाइफ मिली है, इस लाइफ में आप क्या कमाना चाहते हो, इस लाइफ में आप क्या बनना चाहते हो, क्या अपने साथ ये किन चीज़ों को लेकर आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ना चाहते हो, यानी कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल क्या है जिसे आप अचीव करना चाहते हो। एक लड़की लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जिनके साथ वो डेट करना चाहती है, जिसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, उसके साथ शादी करना चाहती है, वो इंसान आखिर अपनी लाइफ में क्या चीज़ें करेगी। और ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें लड़के को रिप्लाई देने में भी इंटरेस्ट होगा, वो भी अच्छा लगेगा उनको। तो ये जान सकते हो कि जिस इंसान के साथ आप शादी करना है, उसे बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, वो क्या बनना चाहता है या क्या करना चाहता है, उसका करियर
कैसा होगा, अगर आप उनके साथ होगी तो आपकी लाइफ भी कैसी होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसके बारे में आपको बात करनी चाहिए। इससे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको काफ़ी हेल्प होगी स्पेशली इस क्वेश्चन से उस इंसान को समझने के लिए। वो क्वेश्चन आपको ये करना है अपने बॉयफ्रेंड को या अपनी गर्लफ्रेंड को भी कर सकते हैं कि तुम अपने वीकेंड में या अपने फ्री टाइम में अपना टाइम किस तरह से स्पेंड करना पसंद करते हो। तो ये काफ़ी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब आप किसी इंसान को समझना चाहते हो तो उनको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना कि तुम जब फ्री होते हैं तो उस टाइम का किस तरह से यूज़ करते हो या उसे किस तरह से स्पेंड करना पसंद करते हो। जब आप उनको करेंगे तो आपको बहुत तरह के आंसर मिल सकते हैं। जिस तरह से वो कह सकते हैं कि मुझे फ्री टाइम पे या वीकेंड पे मुझे घूमना जाना पसंद होता है, जब भी मैं फ्री होता हूँ तो घूमने चला जाता हूँ दोस्तों के साथ या अकेला चला जाता हूँ। तो आप समझ सकते हैं तो ये इंसान है अपनी लाइफ में मौज मस्ती या हैप्पीनेस या इंजॉय करने में ज़्यादा बिलीव करता है। हो सकता है कोई इंसान आपको ऐसा भी आंसर दे सकता है कि मुझे फ्री टाइम में घर पे बैठ के बुक्स रीड करना बहुत ही अच्छा लगता है, ये चीज़ें मुझे बहुत ही पसंद है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये इंसान इस टाइप का है जिसे अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज अर्न करना या अपने आप को बेटर बनाने के बारे में सोचता रहता है। सिर्फ आपको दो एग्जाम्पल दिए आपको समझने के लिए, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिससे इसका आपको अंदाजा लग सकता है कि इंसान अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है। और जो इंसान अपने फ्री टाइम में जो करता है ना रियल लाइफ में वो ऐसा इंसान होता है। अगर जब हम सबसे ज़्यादा फ्री होते हैं और हमें जो चीज़ें करनी अच्छी लगती है ना रियल में ऐसे व्यक्ति हम होते हैं। क्वेश्चन और भी है जो बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है उस इंसान को जानने के लिए और आपका एक टॉपिक बन सकता है। अब उनको ये क्वेश्चन करना है कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, आपको जो ज़िंदगी मिली है इस लाइफ से आप क्या चाहते हो, आपके हिसाब से लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, हर इंसान इसका आंसर डिफरेंट देगा। आपको ये सारी चीज़ें उनको जब क्वेश्चन करेंगे तो उनके विचार सारणी के बारे में पता चलेगा कि इंसान किस तरह से सोचता है, उसकी सोच कितनी बड़ी है या छोटी है, उनकी सोच एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम होते हैं, जिस इंसान का जैसा विचार होता है वो ही ऐसा इंसान रहता है। तो इंसान बताएगा कि उनके हिसाब से लाइफ में क्या चीज़ें होनी चाहिए, किसको परफेक्ट लाइफ कहते हैं। तो आपको पता चलेगा कि इस इंसान को अपनी लाइफ से ये चीज़ें चाहिए। तो आप देख सकते हो कि क्या इस इंसान के साथ आप अपनी लाइफ को एडजस्ट कर सकोगे। इतने सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आप उस इंसान के बारे में बहुत कुछ जान चुके होते हैं। हो सकता है आप उनके साथ दो या तीन दिनों से बात करें, लेकिन आप ये क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली इस चीज़ के बाद आप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी उस इंसान के बारे में। आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगी वो इंसान क्या है स्टार्ट टू एंड तक, और उसकी लाइफ अभी कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पर है और फ्यूचर में कहाँ तक जा सकती है। आप उनके फ्यूचर के बारे में भी जान सकते हैं कि वो इंसान किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, इन चीज़ के बेस पे। नहीं है कि आप ये किसी लड़की के लिए ये जानना जरूरी है, लड़के भी ये क्वेश्चन है अपनी गर्लफ्रेंड को कर सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। और आपके लिए शानदार टॉपिक्स भी बन सकते हैं कि आप जिस इंसान के साथ बात करना चाहते हो उनके साथ कैरी ऑन कर सको अपनी बातें। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, और आप मेरी वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो गए। तो फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।